हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल धीमान राजेश धीमान में। फ्रेंड्स, हम इंटीग्रेशन करना सीखेंगे एक्स टेन इनवर्स एक्स डीएक्स की। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, इसके लिए हम बाई पार्ट्स फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है कौन सा फर्स्ट फंक्शन और कौन सा फंक्शन सेकंड। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन चूज करते हैं और एलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड। इसका मतलब यह हुआ कि इसको हम लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स डीएक्स, उसके बाद ये फर्स्ट ये सेकंड। अब बाई पार्ट्स फॉर्मूला है हमारे पास, जिसमें दो फंक्शन होते हैं हमारे पास, तो फर्स्ट फंक्शन एफ और सेकंड जी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इंटीग्रेशन करते हैं दो फंक्शन का प्रोडक्ट, जिसमें फर्स्ट होता है एफ एक्स की डेरिवेटिव और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। अब जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा उसको हमें एक बार फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन आएगा हमारे पास टेन इनवर्स एक्स और दूसरा आएगा एक्स डीएक्स। फिर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होगी फर्स्ट फंक्शन की, जो है टेन इनवर्स एक्स, और इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स की, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके इंटीग्रेशन करेंगे। तो टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स डीएक्स की इंटीग्रेशन आएगी एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहां पर इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स की वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से इसकी इंटीग्रेशन आएगी एक्स स्क्वायर बाई टू। अब ये तो ऐसे लिखेंगे इसको, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी। अब हमने टू को बाहर लिख दिया है और एक्स स्क्वायर यहां लिखा ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसके बाद इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम। ये जो न्यूमिरेटर है और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर और न्यूमिरेटर को मैच करेंगे, लेकिन कैसे। अगर हम यहां पर वन एड कर दें और वन माइनस कर दें, इसका मतलब जो हमने वन ऐड किया है वही माइनस कर दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो प्लस वाला है वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर इसको अलग से कर लेंगे, ये वन अलग कर लेंगे। अब वन प्लस एक्स स्क्वायर के साथ इसको भी और वन प्लस एक्स स्क्वायर के साथ दूसरे फैक्टर वन को भी डिवाइड करेंगे। उसके बाद अब इसके बाद वन बाई टू बाहर इंटीग्रेशन, ये आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ डीएक्स। फिर माइनस और माइनस प्लस वन बाई टू बाहर, और वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में बचेगा डीएक्स। अब इसके बाद इसकी इंटीग्रेशन, तो इसकी आएगी माइनस वन बाई टू, यहां से डीएक्स की मिलेगी एक्स प्लस वन बाई टू, और ये वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिफ्रेंसिएशन होती है टेन इनवर्स एक्स की, तो वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आती है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम चाहें तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं हाफ कॉमन लेके, यही इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो बाई पार्ट्स से इंटीग्रेशन के ऊपर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आपने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक लाइक और फॉलो नहीं किया है तो उसे लाइक और फॉलो करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, इसी तरह की मैथमेटिक्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए। आप हमारी मैथमेटिक्स की वेबसाइट www.dhimanrajeshdhiman.com भी विजिट कर सकते हैं। Thank you very much.